हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आज के सुंदर से शाम के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर, जो आज आपने हमें सुरक्षित रखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज हमें डरना नहीं है, क्योंकि इस मसीह ने हमेशा हमें सिखाया है, मत डर, मैंने तुझे बचा लिया है, मैंने तुझे हर प्रकार के पापों से, श्राप से, कर्ज से मुक्ति कर दिया है, आज़ाद कर दिया है, मैंने तेरे हर प्रकार के दुख को अपने ऊपर ले लिया, हर प्रकार की बुराइयों को अपने ऊपर ले लिया, हर प्रकार की चिंताओं को अपने ऊपर ले लिया। तो किस बात का डर, किस बात का भय आज हमारे अंदर है? मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखना कि आज इस प्रार्थना में आप रिसीव करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी चिंताएँ, बहुत सारा दुख आपके जीवन से जाएगा। हालेलुया, क्योंकि आपको विश्वास है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनने के बाद मेरे जीवन में बड़े बड़े काम करता है और बड़ी बड़ी आशीष देता है। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, मत डर, मैंने तुझे बचा लिया है, तेरे हर प्रकार के हालातों से मैं तुझे बचाऊंगा, चाहे दुख में हो, चाहे संकट में हो, चाहे पैसे की दिक्कत हो, बहुत सारी मुश्किल घड़ी आपके सामने ऐसी स्थिति आ चुकी है, ऐसी परिस्थिति आ चुकी है, उसमें आपको समझ में नहीं आता मुझे क्या करना है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, लिखा गया है दूसरा राजा अध्याय 18 वचन नंबर 19 में कहा है, पवित्र शास्त्र में जिस तरीके से कहा गया है, बताया गया है, एक राजा हुआ करता था, रब साके ने उससे कहा, जा करके हिजकिया से कहो, आसूर के राजाधिराज का यह संदेश तू किस बात पर भरोसा किए बैठा है? मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस समय राजा हिजकिया जो था बीमार था, राजा हिजकिया बीमार था, मरने पर था, लेकिन राजा हिजकिया किस पर भरोसा किए बैठे था कि मैं जिंदा हूंगा, मैं बच जाऊंगा? उसने परमेश्वर पर भरोसा किया, उसने परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेक करके प्रार्थना की, उसके जीवन को परमेश्वर ने 12 साल बढ़ा दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, 12 वर्ष उसकी आयु को बढ़ा दिया, वो मरने वाला था, अंतिम संदेश अपने राज्य को दिया, लेकिन यह घटना हमारे दिल में आज बसी है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जो आज आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, मेरे जीवन में काम नहीं करता, मेरे बच्चों के जीवन की देखभाल नहीं करता, मैं प्रार्थना रात दिन करता हूं लेकिन फिर भी मेरी परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता, ऐसा नहीं है। जिस दिन हम सच्चे दिल से राजा हिजकिया की तरह अपने जीवन को आप परमेश्वर के सामने रखेंगे और अपने घुटने टेक करके परमेश्वर के सामने प्रार्थना को रिसीव करेंगे, उस दिन परमेश्वर हमारे हर प्रकार के हालात को बदल देगा, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को बदल, हर प्रकार की समस्याओं को बदल देगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सृष्टि का कर्ता, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाला है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसका मतलब यह है, खुश हैं वे जो अपनी आध्यात्मिक जरूरतों के प्रति सचेत हैं, मतलब वो खुश लोग, खुश नसीब हैं जो परमेश्वर के प्रति अपने आप को जागरूक रखते हैं, सचेत रखते हैं, क्योंकि शैतान आपको नहीं चाहता कि आप परमेश्वर पर विश्वास करें, भरोसा करें और हमेशा सचेत रहें, नहीं चाहता शैतान, वो इसीलिए आपको तोड़ना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, खुश हैं वो जो दयालु हैं, खुश हैं वे जो शांति के काम करते हैं। इनके अलावा 6 बार यीशु ने बताया कि मैं कौन हूँ, कौन खुश है, और इस तरह से उसने अपने मशहूर पहाड़ी उपदेश की शुरुआत से सुसमाचार के बताया, मत्ती के सुसमाचार के उपदेश में हम पाते हैं, जहाँ पे मत्ती अध्याय 5:3 में लिखा गया है, यीशु ने शब्द से हमें यकीन दिलाते हैं कि खुशी हासिल करना मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। यदि आपकी खुशी, आपके घर, आपका परिवार सब कुछ छिन गया है, आप डरे हैं, आप एकदम उदास हो चुके हैं, आप डिप्रेशन में हैं, चिंता में हैं, इसका मतलब ही नहीं कि आपकी खुशियां वापस नहीं आएंगी। यदि आपकी खुशियां चली गई हैं किसी भी कारण, पहले आप बहुत खुश हुआ करते थे, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती थी, आज आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, और उसके चक्कर में आप नशे का सेवन करने लगे, शराब का सेवन करने लगे, दुख में पड़ गए, मुसीबत में पड़ गए, लोगों से रिश्ते नाते तोड़ने लगे, घर परिवार बर्बाद कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में खुशियां नहीं आएंगी। यीशु मसीह ने कहा मुमकिन है, जिस दिन अपने आप को बदलोगे उस दिन परमेश्वर आपके हालात को बदल देगा। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा खुशियां हासिल करना आपके जीवन का मकसद होना चाहिए, क्योंकि खुशी रहेगी तो आप अपने घर परिवार, अपने काम धंधे, बिजनेस, अपने रिलेशन, अपने सब कुछ अच्छी तरीके से संसार में जी सकते हैं। यदि खुशी नहीं है, निराशा है, डिप्रेशन है, चिंता है, मुसीबत है, परेशानी है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, आपको हालात से लड़ना होगा, आपको डरना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है,
यीशु मसीह ने कहा, प्राचीन इज़राइल के राजा दाऊद के एक पवित्र भजन में लिखते हैं, वो कहते हैं कि ध्यान में आपको दिलाना चाहता हूँ कि सच्ची खुशी सिर्फ यहोवा परमेश्वर हमें दे सकता है। राजा दाऊद ने कहा, जो खुद परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था वो आगे चल करके बहुत बड़ा राजा बनता है, और बिना परमेश्वर से पूछे कोई कार्य नहीं करता था, कोई काम नहीं करता था। जब वो खुद उदास होता था तो परमेश्वर के शरण में जाता था और परमेश्वर उसे खुशी देता था। तो आज हमारे जीवन में किस बात से डर है? परमेश्वर ने तो हमें बचा लिया है, आज हम किस बात से भयभीत हैं, किस बात से डरे हुए? परमेश्वर ने तो हमें बचा लिया, यीशु मसीह ने बचा लिया, क्योंकि दाऊद ने कहा था, उसने कहा, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे हर प्रकार के मनोरथों को पूरा करेगा। भजन संहिता अध्याय 37 और वचन नंबर 4 में यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, खुशी है वो जो अपने परिवार के प्रति प्रेम रखते हैं, खुशी है वो जो दूसरे के ऊपर दया दिखाते हैं, खुशी वो है जो हमेशा परमेश्वर के वचन के प्रति सचेत रहते हैं, सावधान रहते हैं। ऐसा ना हो कि शैतान आपके खुशियों को चुरा ले, आपके दुख में, आपको चिंताओं में डाल दे। लेकिन ऐसी बात है कि जिससे यहोवा उसके अलग अलग गुणों को जानने में हमें खुशी मिलेगी। आपका मकसद होना चाहिए कि आज मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ तो मेरे जीवन में एनर्जी आएगी, ताकत आएगी, ऊर्जा आएगी, ताकि मैं आज प्रभु के सामने प्रार्थना करूँ तो मेरे हर प्रकार के एक एक नस, एक एक बॉडी का पार्ट्स एकदम प्रफुल्लित हो जाए, खुश हो जाए। तब हमारे जीवन के हर प्रकार की हालात को परमेश्वर बदल देगा, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी में परमेश्वर हमारी मदद करेगा और सहायता करेगा। उम्मीद मत छोड़िएगा, आज इस प्रार्थना को रिसीव करिए और देखिए आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे, बड़े बड़े चमत्कार होंगे। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना को रिसीव करते हैं और हमारे जीवन में प्रभु की आशीष को आने देते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज हम हर प्रकार की गंदी आत्मा और दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से। पिता परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे और बेटे और बेटियां सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं, आज इनके घर को, इनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आपने हर प्रकार के दुखियों के ऊपर हाथ रखा है, आपने हर प्रकार के लाचार को पिता परमेश्वर आपने आगे बढ़ाया है, आपने हर प्रकार के कोढ़ियों को, हर प्रकार की बीमारियों को आपने शुद्ध किया, आपने उसे बचाया है, उनके हालातों में पिता परमेश्वर रह करके आपने उनकी सहायता की, मदद की। आज उन हर गरीबों के पिता परमेश्वर आप मसीहा हैं, आज जिनके ऊपर शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त करें यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जीवन में अनेक प्रकार की शैतानी ताकत आज वो काम करती है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख, यीशु मसीह के नाम से, आज जो डरे हैं, आज जो भयभीत हैं, आज जो चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, सत्कलम 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 सत्कलम, यीशु मसीह के नाम से छू पिता परमेश्वर, छू इसी वक्त हर प्रकार की शैतानीता का, दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूँ। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को जला दे यीशु मसीह के नाम से, आज यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं आज इनके घर से, परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से निकल। हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये जैसे प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन के हर प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, चाहे छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज जिनको खुद समझ में नहीं आता कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी है, आज पिता परमेश्वर उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल और ये हमेशा स्वस्थ रहें यीशु मसीह के नाम से, हमेशा खुशियाँ मनाए पिता परमेश्वर। आज जो डिप्रेशन में चले गए हैं, आज जो मसीह भाई बहन डिप्रेशन में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जो चिंता बहुत करते हैं, आज जो बहुत सारी समस्याओं का आज वो सामना करते हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज वो समाज में नहीं निकलते यीशु मसीह के नाम से, अपने घर और परिवार से नहीं बोलते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो अपने बच्चों से नफरत करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज
जो बच्चे अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं करते उनके लिए प्रार्थना दुआ करता हूँ कि परमेश्वर आज उनके बच्चों की देखभाल कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त इसी घड़ी में आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र लहू के नाम से, आपके स्वर्गदूत जहाँ कहीं पर भी हों पिता परमेश्वर आज इन भाई और बहनों के घर में आए पिता परमेश्वर, और इनके घर की रक्षा करे, सुरक्षा करे, कवच बन करके आए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए वो जाएं आज जो भी मसीह भाई बहन जहाँ भी किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी स्थान में बैठा यीशु मसीह के नाम से, प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, सुन रहा है, उसके घर में अनेक प्रकार की खुशी आने पाए। आज जिनके बिजनेस काम धंधे, आज नौकरी जॉब अनेक प्रकार की चीज़ें बंद पड़ी हैं या खत्म हो चुकी है या नहीं मिल रही, यीशु मसीह के नाम से आज उसके लिए आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार का श्राप, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के जादू टोने जो इनके पड़ोसियों ने इनके प्रति कराया यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के शैतानी की चाल यीशु मसीह के नाम से उससे नाकाम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो सोच लिए कि मैं डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ सकता, आज जिन भाइयों ने शराब की लत को आज अपने जीवन में ला लिया यीशु मसीह के नाम से, आज वो सोचता है कि मैं नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर आज इस पानी को ये पियेंगे यीशु मसीह के नाम से और इनके घर से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपने तो कहा है कि मैं हर प्रकार के दुख और चिंताओं को, मुसीबत को दूर करने वाला हूं, तो पिता आज ये बच्चे आपके आंसुओं से पिता परमेश्वर आपके चरणों को आज धोते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आपके चरणों को पिता परमेश्वर अपने आंसुओं से भिगोते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश अपने जीवन में पिता परमेश्वर, आज इनका सहारा कोई नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप हर एक इंसानों के सहारा हैं जो आपसे मदद मांगता, आपसे जो प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, आप उसकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बच्चे नहीं पिता परमेश्वर उसके लिए दुआ करते हैं, हम सभी मसीह भाई बहनों प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के घर में खुशियां हो, बच्चे हो, परिवार हो, घर हो पिता परमेश्वर, और जिनकी शादियां नहीं होती पिता परमेश्वर, जो रिश्ते टूट जाते हैं, जो नौकरी है, जॉब है, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश से निराश है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल, उनके बच्चों के जीवन को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इस समय परेशान हताश से निराश अपने जीवन यीशु मसीह के नाम से। आज जो बहुत दिनों से दवा खा रहे हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कैंसर जैसी भयानक बीमारी, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो पथरी, वो हर प्रकार की जो समस्याएँ हैं, जो बीमारियाँ हैं, जो आँखों में इन्फेक्शन हो चुका है, स्किन में इन्फेक्शन हो चुका है, बाल बहुत झड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर उनका ब्लड बहुत कम हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद उनके जीवन एक प्रकाश आए, एक रोशनी आए, एक उम्मीद आए, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें और आपके समक्ष बने रहे पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते रहे, आपसे दुआ करते रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। शतकलम शतकलम शतकलम, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल, इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए, इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल ए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी हम आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम, छो पिता वरन, छो, इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त कर यीशु मसीह, आजाद कर, इन्हें आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त इसी घड़ी पिता परमेश्वर आज इनके जीवन को चंगा कर। आज जो बहनें रोती हैं, जो भाई रोते हैं, जो बच्चे रोते हैं, आज जो परेशान हैं, आज जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो अपने जीवन बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा का सामना करते यीशु मसीह के नाम से, हर एक चीज़ों के लिए मैं आज्ञा देता हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के काम धंधे, वो बिजनेस चलने लगे यीशु मसीह के नाम से, और शैतान इनके कामों से, इनके धंधे से, इनके बिजनेस से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, दूर निकल, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज इस पानी को आप पीजिए, परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों में आपको सहायता करेगा और मदद करेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं। पहले बात तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। आपके काम धंधे, बिजनेस, नौकरी, जॉब जो भी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिख के बताइएगा। और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करिए, उसमें जो भी कुछ है उसे लिखिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी जिस तरीके से उनके पास जो भी कुछ है वो दान भेजना चाहते हैं या बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान को बीज को बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और फलवंत बनाएगा। आपके बच्चों को आपके घर में बहुत सारी आशीष देगा। आपके हर प्रकार की चीज़ों में परमेश्वर आपको समृद्ध बनाएगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।